दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। DRDO मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये टेक्निकल मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज थर्ड है। DRDO के लिए स्पेशल टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं, ये सीरीज थर्ड है। दोस्तों सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सभी प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों इससे पहले 50 प्रश्नों की 25-25 प्रश्न की 2 सीरीज अपलोड कर चुके हैं और ये तीसरी सीरीज है जिसमें प्रश्न संख्या 51 से अपन पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 51 अपने स्क्रीन पर ये है कि 2 सर्किल अपनी सर्क्यूमफेरेंस से मिलते हुए, जिनको हिंदी कम समझ में आती है उनको भी बता रहा हूँ कि 2 वृत्त हैं जिनको अपन सर्किल कहते हैं इंग्लिश में, अपनी परिधि से मिलते हुए एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा का कोण कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, जिनको समझ में आया है वो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, आपको हल करके बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि 2 सर्किल है, एक ये सर्किल है। अब इनकी अपन को रेडियस त्रिज्या नहीं बताएगी कितनी है, जो भी हो खैर सर्किल अपन को बता दिया कि ये 2 सर्किल है, एक इस तरह का और दूसरा इस तरह का, और ये दोनों सर्किल अपने परिधि को मिलाते हुए, यानी ये जो सिरा है ना ये दोनों एक दूसरे के यहाँ मिलान कर रहे हैं, इसको मिलाते हुए कर रहे हैं। तो इन दोनों के केंद्र को देखो, ये इसका सेंटर है ये इसका सेंटर है, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली ये जो रेखा है, तो हम सब समझ रहे हैं देखो ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा का जो कोण 2 बिंदुओं के बीच होता है, मान लीजिए ये ए और बी है, तो इनके बीच कोण कितना माना जाएगा 180 डिग्री का, यानी इनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कितने एंगल की है, 180 डिग्री की है, 180 डिग्री की है। प्रश्न का उत्तर सी होगा। और अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं। देखो दोस्तों ये हाइग्रो है, हाइड्रोमीटर नहीं है, ध्यान से समझना है। हाइड्रोमीटर अलग होता है, ये हाइग्रोमीटर है, ठीक है। देखो हाइग्रो जो होता है ये ह्यूमिडिटी, नमी, मॉइस्चर या आर्द्रता अपन इसको कहते हैं। तो हाइग्रोमीटर का जो उपयोग होता है वो वायुमंडल की नमी या आर्द्रता, जिसको अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं या मॉइस्चर बोलते हैं, वो मेजरमेंट लेने के लिए अपन काम में लेते हैं। प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको दोबारा बताना चाहूँगा, सुन लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, तो इसके लिए हाइड्रोमीटर होता है, ध्यान रखना हाइड्रोमीटर है वो हाइग्रोमीटर जिसके बारे में पूछा। वायुमंडल का दाब नापने के लिए, तो वायुमंडल का दाब नापने के लिए जिस मीटर का उपयोग करते हैं उसका नाम है बेरोमीटर, और वायु का वेग नापने के लिए एनीमोमीटर होता है, वायु का वेग वेलोसिटी ऑफ एयर, तो इसके लिए एनीमोमीटर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए हाई टेम्परेचर, जैसे फर्नेस का टेम्परेचर होता है उस तरह के टेम्परेचर की बात करें, इंडक्शन भट्टियाँ जो होती है उनके टेम्परेचर के लिए, तो उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। थर्मोमीटर के लिए, तो थर्मोमीटर होता है निम्न ताप, या फिर हम इसको सामान्य ताप भी कह सकते हैं, जैसे अपने घरों में हीटर का या जैसे इन्वायरमेंट का वायुमंडल का तापमान अपन नापते हैं, इसके लिए थर्मामीटर या तापमापी जिसको अपन कहते काम में ले सकते हैं। हाइड्रोमीटर के बारे में अभी ऊपर के प्रश्न पर अपन चर्चा कर चुके हैं, ये बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व नापने के काम आता है। और टोंग टेस्टर, ये टोंग टेस्टर एसी सर्किट में परिपथ में बिना रुकावट डाले धारा नापने के काम आता है, यानी किसी रनिंग कंडक्टर की धारा नापनी हो, किसी रनिंग इक्विपमेंट की धारा नापनी हो, कोई उपकरण चल रहा है और वो कितनी करंट ले रहा है ये मापना हो तो ले सकते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, एक तरह से सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर के जैसा ही बिहेव करता है। इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि टोंग टेस्टर केवल और केवल एसी में हाई करंट ही मापता है, डीसी की हाई करंट का मापन नहीं कर पाएगा। तो अभी अपने इस 53वें प्रश्न का उत्तर ए रहेगा कि पाइरोमीटर होगा, बाकी तीनों का भी आपको उत्तर ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखो दोस्तों ऊर्जा 2 तरह की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज
यानी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में अपने स्थिर अवस्था के कारण काम करने की क्षमता जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग यानी दबी हुई स्प्रिंग कहीं भी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। जैसे इसी के और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, इलास्टिक बैंड यानी कोई रबर का बैंड है उसको अपन ने खींच के रख दिया तो वो भी काम करेगा, जैसे अपन छोड़ देंगे तो वो करेगा। ऊंचाई पर स्थित कोई भी वस्तु है, जैसे ओवर हेड टंकी में पानी भरा हुआ है या दीवार पर या पहाड़ पर कोई भी वस्तु रखी हुई थी तो उनको जैसे अपन छोड़ देंगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई काम कराने की कैपेसिटी है। ऊंचाई ओवरहेड जो टैंक होता है उसमें जो पानी भरा होता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? नाम से ही पता लग रहा है, वस्तु में अपनी गति स्पीड के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे रनिंग सिस्टम जितने भी होते हैं, जैसे चलता हुआ वाहन, दौड़ती हुई गाड़ी मान लो, चलती हुई हवा, ये जितने भी है, जैसे अपने कोई गेंद फेंकी तो चलती हुई है उसमें अपने काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर तो ये होगा कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला प्रश्न है कि एक धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, एक एम्पियर धारा पर FSD देता है। FSD का मतलब है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण पैमाना विक्षेप। यानी मीटर अभी एक एम्पियर धारा मापने की कैपेसिटी है, कहने का मतलब ये है। तो 5 एम्पियर धारा मापने के लिए हम क्या करेंगे? मापी के लिए संट प्रतिरोध की गणना करो। देखो दोस्तों, एक तो इस प्रश्न में उत्तर मिल गया, एक एम्पियर वाला मीटर था उससे 5 एम्पियर, यानी किसी एमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं? शंट प्रतिरोध लगाते हैं। एक चीज़ तो ये प्रश्न यहाँ सीखने को मिल गया। अब दूसरा ये है कि शंट प्रतिरोध की गणना कैसे करें? तो दोस्तों, शंट प्रतिरोध की गणना करने के लिए सूत्र होता है RSH बराबर, यानी शंट प्रतिरोध बराबर RM, RM का मतलब है मीटर का रेजिस्टेंस बटे N-1। N गुणक घटक होता है दोस्तों, और इस N का मतलब होता है I/IM। I का मतलब होता है वह धारा जो अब मापी जानी है, IM का मतलब होता है वह धारा जो मीटर पहले माप सकता था, या वह धारा जिस पर मापी FSD दे रहे हैं। तो पहले एक गुणक घटक हमें ज्ञात करना होगा, उसमें से एक अपन घटा देंगे, जो भी बचेगा उसका हम मीटर के प्रतिरोध में भाग दे देंगे। देखो मीटर से अब 5 एम्पियर नापनी है, पहले एक एम्पियर नाप रहा था, 5/1 करेंगे, एन का मान कितना आ जाएगा? 5। जब यहाँ पर सूत्र में अपन मान रखेंगे 5, एक उसमें से घटाएंगे तो ये उत्तर आ जाएगा अपना 4। RM यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध, ये देखो सवाल में अपन को स्पष्ट दे रखा है 20 ओम, यानी हमें 20 में भाग देना है 4 का, 20 में भाग 4 का देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 5 ओम। यानी हमें क्या करना है? शंट प्रतिरोध और लगाना है, कितने का? 5 ओम का। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आसान प्रश्न है दोस्तों, करके आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 5 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में संयोजित है, यदि 3 ओम प्रतिरोध पर 15 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो कुल सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है, यानी टर्मिनल पर लगाई गई वोल्टेज का मान कितना है? एक पर देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, 3 ओम वाला, यानी एक रेजिस्टेंस यूं है, दूसरा यूं है, दोनों यहाँ पर हमने जोड़ दिए, ये मान लीजिए डायग्राम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, और इस 3 ओम वाले पर 15 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। देखो दोस्तों, इसके दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। अगर हम इस 15 वोल्ट और 3 ओम रेजिस्टेंस के अनुसार इस प्रतिरोधक की धारा निकाल दें तो वो करंट आएगी 5 एम्पियर। अब देखो ये 5 ओम और 3 ओम सीरीज में है तो सीरीज में धारा तो बराबर चलती है, अगर इस 3 ओम प्रतिरोधक में से 5 एम्पियर धारा चलती है तो श्योर है कि 5 ओम प्रतिरोधक में से भी धारा कितनी चलेगी? 5 एम्पियर। यानी परिपथ की कुल धारा का मान भी कितना है? 5 एम्पियर। अब टोटल करंट 5 एम्पियर है और टोटल रेजिस्टेंस ये 5 ओम और 3 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 8 ओम हो गया। अब इससे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, दो तरीके हैं। देखो ये 5 ओम का है, 5 एम्पियर इसमें से धारा चल रही है, मतलब इस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं? 25। 25 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं, 15 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 40। इससे भी कर सकते थे, और दूसरा तरीका ये भी था कि टोटल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए V बराबर I×R, VT ज्ञात करना है तो IT×RT कर दो। कुल धारा कितनी आई? 5 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में धारा हमेशा बराबर चलती है,
प्रत्येक प्रतिरोधक पर धारा का मान उतना ही होता है जितना परिपथ की कुल धारा होती है। जब 3 ओम वाले की धारा 5 एम्पियर आ रही है, इसका मतलब परिपथ की धारा भी 5 एम्पियर ही है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध 5 और 3 दोनों श्रेणी क्रम में है तो कुल कितना हो जाएगा? 8। तो उत्तर आ गया 40 वोल्ट। आसान प्रश्न है दोस्तों, आप कर सकते हो इसको। अभी अपने इस प्रश्न का उत्तर सी रहेगा, 40 वोल्ट उत्तर करेंगे अपन। अगला जो प्रश्न है अपना वो ये है कि दो बिंदुओं के बीच धारा प्रवाह शून्य होगा यदि उनका प्रतिरोध समान हो, यदि उनकी शक्ति समान हो, यदि उनका विभव समान हो, यदि उनकी फ्रिक्वेंसी समान हो। देखो दोस्तों, किसी भी बिंदुओं में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, या हम यूँ कह दें कि परिपथ में किसी प्रतिरोधक में से धारा का प्रवाह दोस्तों तब होता है जब उनके बीच में विभवांतर हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो। मीन्स उस दो बिंदुओं के बीच में, उन दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर होना चाहिए। अगर विभव समान होगा तो उनके बीच में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए गैल्वेनोमीटर जो होता है वो, अब गैल्वेनोमीटर जो अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में देखते हैं, तो जंक्शन मान लीजिए ऐसे होता है, तो जब परिपथ संतुलित होता है तो उस समय अपने गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो उसका कारण यही होता है कि जंक्शन के उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव एक समान होता है। यानी जब विभव समान होता है तो दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाह नहीं हो सकता है। दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाह के लिए हमें विभव में अंतर चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना अनिवार्य है, तभी धारा चल सकती है। तो प्रश्न का उत्तर सी होगा। ऐसे दोस्तों ताप का रहता है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण तभी होता है जब ताप में अंतर हो, और ये भी आपको ध्यान रखना है, तापमान हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करता है या ऊष्मा जाती है। तो ताप में भी अंतर होगा तो ही ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो ऐसे ही धारा के लिए रहता है। खैर, अपने प्रश्न का उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कार्यकारी तापमान क्यूरी तापमान से अधिक हो जाता है तो एक लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन सा पदार्थ बन जाता है? लोहे चुंबकीय का मतलब है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। देखो दोस्तों, क्यूरी तापमान के बारे में मैं एक बार पहले बात कर चुका हूँ आपको, चुंबक वाले मैग्नेट वाले जो टॉपिक है उनमें आपको प्रश्न मिल जाएगा। देखो, क्यूरी तापमान है एक पदार्थ का वह ताप जिस पर उसके चुंबकीय गुण बने रहे, या वर्किंग तापमान अपन कह सकते हैं, यानी वर्किंग टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो। क्यूरी तापमान का मतलब होता है कि ताप बढ़ने पर पदार्थ की चुंबकशीलता घटने लगती है, ताप बढ़ने पर पदार्थों के चुंबकीय गुण कम होने लगते हैं। तो वो क्यूरी नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने नियम दिया था, इसलिए कहते हैं। तो क्यूरी तापमान पर अगर हो या इससे ज़्यादा हो तो कोई भी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो है वो पैरामैग्नेटिक की पोजीशन में आ जाते हैं, यानी वो अनुचुंबकीय बन जाते हैं। लोहे चुंबकीय अनुचुंबकीय बन जाते हैं। लोहे को इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, अनु को इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। यानी जब पदार्थ में तापमान बढ़ता है तो फेरोमैग्नेटिक के चुंबकीय गुण घट करके पैरामैग्नेटिक के बराबर रह जाते हैं, हालांकि तापमान कम होने पर वापस उनमें चुंबकीय गुण पैरामैग्नेटिक के बराबर हो जाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसमें स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा स्टोर होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा कैपेसिटर में होती है, नो डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उनमें से भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि कैपेसिटर और इंडक्टर ही दो ऐसे घटक है जिनमें एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा होती है और इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इसमें विद्युत स्थैतिक होती है, इसमें विद्युत चुंबकीय होती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दो एनर्जी होती है। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है। प्रतिरोधक में किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होती है, यह शक्ति खपत करवाता है। ट्रांजिस्टर भी इसी तरह का है, प्रचालन युक्ति है, अर्धचालक युक्ति है, शक्ति कंजप्शन करवाती है। अभी अपने प्रश्न का उत्तर ए रहेगा, स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा कैपेसिटर में। मान लीजिए कि अपन से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पूछ लेते तब अपन बी उत्तर कर देते, इंडक्टर। अगला प्रश्न है कि एक क्वाइल 24 वोल्ट रेटिंग की है, इसे 24 वोल्ट एसी सप्लाई देने पर धारा I1 प्रवाहित होती है,
और 24 वोल्ट डीसी देने पर धारा I2 प्रवाहित होती है, तो I1 और I2 में क्या संबंध होगा? देखो दोस्तों, क्वाइल जो होती है ना, इसमें धारा प्रवाह का विरोध करने वाले दो घटक होते हैं। एक होता है क्वाइल का रेजिस्टेंस और दूसरा होता है क्वाइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आपको एक बात और बता दूं, रेजिस्टेंस तो एसी और डीसी पर एक जैसा ही काम करेगा, इसलिए इस गुण के कारण तो धारा दोनों में एक समान हो गई। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो हुई मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी जीरो हो गया, जबकि एसी में 50 हर्ट्ज है इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो है नहीं, वहाँ तो है कुछ भी। कुल मिलाकर के आपको डायरेक्ट तरीका ये ध्यान में रखना है कि एक क्वाइल में धारा प्रवाह का विरोध एसी में अधिक और डीसी में कम होता है, इसलिए धारा जो है वो एसी की अपेक्षा डीसी वाले में अधिक चलेगी, क्योंकि डीसी में धारा का विरोध करने के लिए केवल प्रतिरोधी है, वहाँ पर प्रतिघात धारा का विरोध ही नहीं करता, इसलिए धारा स्वाभाविक रूप से ज़्यादा चलेगी। यानी जो डीसी वाली करंट है वो ज़्यादा होगी, डीसी की करंट I2 है, I1 की अपेक्षा I2 का मान अधिक होगा, तो प्रश्न का उत्तर अपना बी होगा, I1 की अपेक्षा I2 अधिक, यानी AC की अपेक्षा DC की धारा अधिक होती है, यानी AC पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ जाता है और रेजिस्टेंस तो है ही है, वो दोनों मिलकर के धारा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जबकि AC में केवल रेजिस्टेंस ही करता है, तो प्रश्न का उत्तर अभी बी रहेगा। अगला प्रश्न है, 30 पिको फेरड के 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, कुल कैपेसिटी कितनी होगी? दोस्तों श्रेणी क्रम में कैपेसिटी है, ध्यान रखना कैपेसिटर जब श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं तो उनका कुल कैपेसिटेंस घटता है, जब प्रतिरोध और इंडक्टर सीरीज में जुड़ते हैं तो उनकी इंडक्टेंस यानी जो हेनरी में होती है और कुल रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध ओम में होता है वो बढ़ते हैं। लेकिन एक कैपेसिटर जो फेरड माइक्रो फेरड या पिको फेरड में होता है वो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो घटता है। अब तीन थे 30-30 के, तो कुल कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा C/N, यानी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है और कैपेसिटरों की संख्या कितनी है, तो 30/3 करेंगे तो उत्तर हो गया 10, यानी 10 पिको फेरेड कैपेसिटी उनकी रह जाएगी। हाँ, अगर समांतर क्रम में कैपेसिटर हो तब कैपेसिटी बढ़ती है, ध्यान रखना, यानी अगर यही तीनों कैपेसिटर अपने समांतर क्रम में होते तो इनकी कुल कैपेसिटी 90 पिको फेरेड हो जाती, प्रश्न का उत्तर उस समय अपन ए कर देते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संचरण वोल्टेज नहीं है, ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है ये पूछा गया है, प्रसारण वोल्टेज नहीं है ये पूछा गया है। देखो ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको याद हो आंकड़े तो 66 किलो वोल्ट भी होता है, 132 किलो वोल्ट भी होता है, 110 किलो वोल्ट भी होता है, लेकिन 200 किलो वोल्ट नहीं होता, इसकी जगह कितना होता है, 220 केवी होती है, 220,000 वोल्ट होता है। हालांकि अगली जो स्टेज है 220 के बाद वो 400 की है, यानी 400,000 वोल्ट, तो ये है ध्यान रखना है। अगर 440 केवी आ जाता है तो ये भी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, 400 है और 200 नहीं है, 220 है, यानी 400 है 440 नहीं है और 220 है 200 नहीं है, ये दो तीन आंकड़े इस तरह के हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों अभी इस प्रश्न का उत्तर अपना डी रहेगा कि 220 केवी प्रसारण की वोल्टेज नहीं है। अगला प्रश्न है कि E=70sin50πt में वोल्टेज का RMS मान कितना है? दोस्तों दो तीन बातें बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि थोड़ा सा कम लिखा है इन्होंने, 70 साइन मैक्सिमम ऐसे करके कुछ आता है, कोई बात नहीं, प्रश्न आपको रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए। दोस्तों एक तो ये ध्यान रखना है कि इस साइन के साथ में जो भी वैल्यू लिखी होती है ये वोल्टेज का हमेशा शिखर मान होता है, पीक वैल्यू कह दो या मैक्सिमम वैल्यू कह दो, यानी इस साइन वेव की अधिकतम वैल्यू 70 वोल्ट है, और उसके बाद में इस टी के पास में ये जो भी वैल्यू लिखी है जैसे 50π, तो ये कोणीय आवृत्ति के बराबर होती है जिसको अपन ओमेगा कहते हैं, यानी इसका मान तो 50π है और वोल्टेज का शिखर मान 70 वोल्ट है। देखो दोस्तों RMS मान जब भी ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है 0.707 × शिखर मान, या फिर उस शिखर मान में 1.414 का आप भाग भी दे सकते हो, लेकिन गुणा करना ईजी रहता है, यानी 70 को 0.707 से मल्टीप्लाई करना था तो दोस्तों ये उत्तर आपका लगभग 50 वोल्ट आएगा, तो RMS मान कितना हो गया 50 वोल्ट। अच्छा मान लीजिए अपन से इसी प्रश्न में एवरेज वैल्यू यानी औसत मान अगर पूछ लिया होता तो औसत मान होता है 0.637, यानी आपको इस शिखर मान को 70 वोल्ट को 0.637 से मल्टीप्लाई करना था दोस्तों, तब उत्तर आता 45 वोल्ट, तो अपन उत्तर डी कर देते। अगला प्रश्न इसी पर डिपेंडेड है,
और वो ये है कि उपरोक्त समीकरण के अनुसार फ्रीक्वेंसी का मान कितना है। तो वही आ गया प्रश्न दोस्तों, देखो फ्रीक्वेंसी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी के लिए ये होता है कि कोणीय आवृत्ति का मान जो होता है तो ये अपना 50 पाई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये ओमेगा का जो निशान होता है ये कोणीय आवृत्ति होती है और ये 2 पाई एफ के बराबर होती है। किसके? 2 पाई एफ के, यानी 2 पाई एफ बराबर 50 पाई है। तो देखो दोस्तों, जब पाई फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे तो इस 50 पाई में 2 पाई का भाग दे देंगे और जब 2 पाई का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 25। फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में, यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना है 25 हर्ट्ज। तो अपन इस प्रश्न का उत्तर बी कर देंगे। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि एक खोखले गोले चालक के अंदर, यानी होलो स्फेयर कंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन, होलो यानी खोखला, स्फेयर यानी गोला और कंडक्टर यानी चालक, तो उसके अंदर बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी खोखले गोले के अंदर कोई किसी प्रकार का विद्युत आवेश या विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यानी वो विद्युतीय रूप से वहाँ पर उदासीन होता है। प्रश्न का उत्तर ए होगा कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर है और रिपल फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है। ध्यान रखना दोस्तों, रिपल फ्रीक्वेंसी वो होती है जो आउटपुट में मिलती है और अपन से इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ध्यान रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी उतनी होती है जितनी कि एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर रहती है। अगर आउटपुट में रिपल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, इसका मतलब इनपुट एसी में भी 25 हर्ट्ज ही थी। या अगर अपन से यूँ दे दिया जाता कि इनपुट एसी की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तब भी उत्तर 25 हर्ट्ज ही आता। यानी अब इस प्रश्न का उत्तर अपना ए रहेगा, 25 हर्ट्ज। लेकिन मान लीजिए कि यही प्रश्न अगर हाफ वेव की जगह फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होता तब उत्तर 12.5 हर्ट्ज होता। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी बता रखी है तो आउटपुट जो होती है उनकी दोगुनी होती है, इसका मतलब इनपुट जो है वो आधी होती है। तो इनपुट 12.5 हो जाती अगर फुल वेव ब्रिज के लिए होती तब। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर में सर्वाधिक डोपिंग किसकी होती है। देखो ट्रांजिस्टर, ये BJT की बात कर रहा है, यहाँ पर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, जैसे PNP या फिर NPN। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं दोस्तों और तीन सिरे होते हैं। बाईपोलर ट्रांजिस्टर में जो तीन सिरे होते हैं वो है एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे अधिक डोपिंग एमिटर की होती है, सबसे कम डोपिंग बेस की होती है। कलेक्टर दोनों के बीच की डोपिंग का होता है, यानी कलेक्टर की डोपिंग एमिटर से कम होती है लेकिन बेस से अधिक होती है। अभी अपना प्रश्न ये था कि सबसे अधिक डोपिंग किसकी होती है, तो एमिटर हो जाएगा। मान लीजिए कि यही प्रश्न होता कि सबसे कम डोपिंग किसकी है, तब अपना उत्तर हो जाता बेस, यानी बी उत्तर कर देते, ये तो ठीक है। मान लीजिए दोस्तों अपन से डोपिंग की बजाय भौतिक आकार की बात कर लेते, फिजिकल साइज की बात करते, तो फिर आपको ध्यान रखना है फिजिकल साइज में कलेक्टर सबसे बड़ा होता है और बेस सबसे छोटा होता है, यानी बेस पतला होता है और कलेक्टर सबसे मोटा रखते हैं, क्योंकि उसमें प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ऊष्मा इसी को मिलती है। हालांकि इसके लिए हम थर्मल रनवे उपयोग में लेते हैं, जो हीट सिंक उपयोग में लेते हैं, तो वो अपन को ऊष्मा से बचा भी देता है। खैर, अपने इस 67 क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, एमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में गेट सिरा नहीं होता है, यानी बाकी जितने भी सिरे हो लेकिन गेट सिरा कॉमन है और इनमें से ऐसा कौन सा है जिनमें गेट सिरा नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, SCR में तीन सिरे होते हैं, उनका नाम है एनोड, कैथोड और गेट। ट्राइक में भी तीन सिरे होते हैं दोस्तों, उनका नाम है मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकेंड और गेट। FET पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें भी तीन सिरे होते हैं, सिरों का नाम है ड्रेन, सोर्स और गेट। लेकिन दोस्तों UJT जिसका पूरा नाम है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक जंक्शन होता है इसमें और इसके जो तीन सिरे होते हैं उन तीन सिरों का नाम है एमिटर, बेस वन और बेस टू। यानी ये UJT ऐसा है जिसमें गेट सिरा नहीं होता है। हालांकि टर्मिनल यानी सिरे सबके अलग अलग हैं लेकिन गेट कॉमन था, SCR
पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एनोड कैथोड और गेट। ट्राइक में तीन सिरे है तो सारे ट्रांजिस्टर ही, इसलिए तीन तीन सिरे तो सब में है, लेकिन सिरे अलग अलग है। ट्राइक है तीन सिरे, मेन टर्मिनल फर्स्ट सेकंड और गेट। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, गेट ड्रेन और सोर्स। UJT में एमिटर बेस वन और बेस टू, इसलिए गेट सिरा UJT में नहीं है। प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि गीजर में प्रयुक्त थर्मोस्टेट के ताप की सेटिंग कितनी होती है। दोस्तों थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करने वाली युक्ति है और ये हमेशा हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगती है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस, गीजर, वाटर हीटर। ये जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं, अपने आप ऑन हो जाते हैं, उन सब में ताप को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट लगता है। थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगता है। थर्मोस्टेट धारा के उष्मीय सिद्धांत पर प्रचालित होता है। इसमें द्विधात्विक पत्ती होती है जो गर्म होकर हट जाती है, ठंडी होकर लग जाती है, यानी ये रीसेट होने में भी टाइम लेता है, हटने में भी टाइम लेता है। इसका सेम टू सेम फंक्शन थर्मल ओवरलोड रिले के समान होता है। लेकिन हमने जो गीजर में सेटिंग करते हैं तो दोस्तों इसकी एक रेंज रहती है और गीजर में प्रयुक्त थर्मोस्टेट के ताप की सेटिंग 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जैसे टेम्परेचर पानी का आएगा तो ये थर्मोस्टेट लग जाता है और हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाता है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। चलते चलते जब टेम्परेचर जैसे 88 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो हीटिंग एलिमेंट NO हो जाएगा। हीटिंग एलिमेंट का श्रेणी क्रम में जो सर्किट है वो कट जाएगा, हीटिंग एलिमेंट ऊष्मा देना बंद करेगा। ये इसकी रेंज रहती है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है। देखो दोस्तों ये प्रश्न जो भी आपसे पूछा जा रहा है ये भी BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का है, क्योंकि एमीटर बेस सिरे दे दिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है तो उसमें दो PN जंक्शन होते हैं। और दो जंक्शन कैसे बनते हैं, पहला जंक्शन होता है एमिटर और बेस के बीच में, दूसरा होता है बेस और कलेक्टर के बीच में। सामान्य प्रचारण के लिए एक ट्रांजिस्टर का पहला जंक्शन सदैव फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन सदैव रिवर्स बायस में होता है। तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स में सामान्यतः जोड़ा जाता है, तब वो काम करता है। दोनों रिवर्स में आ जाते हैं तो वो कट ऑफ पोजिशन में कहलाता है, दोनों फॉरवर्ड में आ जाते हैं तो वो सेचुरेशन पॉइंट में कहलाता है। तो अभी अपने इस प्रश्न का उत्तर ए रहेगा कि पहला जंक्शन एमिटर बेस वाला फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है हमेशा और दूसरा जंक्शन रिवर्स में। अच्छा ये फॉरवर्ड रिवर्स क्या होती है, तो देखो फॉरवर्ड का मतलब होता है जब बायस फॉरवर्ड में जुड़ता है तो धारा चलती है, रिवर्स में जुड़ता है तो धारा नहीं चलती। जुड़ता कैसे है, तो इसमें भी अर्धखंड होते हैं जैसे पी और एन डायोड में होते हैं वैसे। तो अगर पी पदार्थ को बैटरी का पॉजिटिव सिरा और एन पदार्थ को बैटरी का अगर नेगेटिव सिरा मिलता है तो वो कहलाता है फॉरवर्ड। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए कि पी पदार्थ को नेगेटिव और एन पदार्थ को पॉजिटिव सिरा मिल जाता है तो वो रिवर्स बायस कहलाती है। तो 70 नंबर प्रश्न है, इसका ए उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि RL सीरीज सर्किट में, यानी रेजिस्टर और इंडक्टर है, AC सीरीज सर्किट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, में प्रतिरोध तथा इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप 60 वोल्ट और 80 वोल्ट है, कुल सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा। देखो दोस्तों ये RL सीरीज सर्किट है, मतलब ये AC सर्किट है। दोस्तों आपको दो बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप ज़रूर उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। AC में राशियों का वेक्टर योग किया जाता है, आप हिंदी में बोलो तो सदिश योग अपन कह सकते हैं। DC में राशियों का बीजगणित योग किया जाता है, जबकि AC में सदिश योग किया जाता है। अब बीजगणित और सदिश योग में क्या अंतर है, तो देखो दोस्तों जो वेक्टर योग यानी सदिश योग होता है तो इनमें राशियों को हम सीधे नहीं जोड़ते, उन राशियों का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर को जोड़ करके उनका रूट निकालते हैं। जबकि बीजगणितीय योग में हम क्या करते हैं, सीधा जोड़ते हैं। जैसे 3 ओम और 4 ओम अगर DC में श्रेणी क्रम में हो तो कुल प्रतिरोध 5 ओम आएगा, लेकिन 3 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, DC में होता तो 7 आता, तो AC में इनका 5 ही आएगा। यानी DC में अगर 3 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका उत्तर 7 ओम आएगा, 4+3। लेकिन AC में अगर 4 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का और 4 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस लगे हुए हैं तो उनका उत्तर 5 ही आएगा। तो वही काम आपको यहाँ करना है, यानी अगर यही श्रेणी क्रम DC का होता और किसी एक पर 60 वोल्ट और किसी दूसरे पर 80 वोल्ट होते तो कुल उत्तर 140 वोल्ट हो जाता।
लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज ज्ञात करने के लिए आपको प्रतिरोधक की वोल्टेज का वर्ग प्लस इंडक्टर की वोल्टेज का वर्ग करना होगा, स्क्वायर करनी होगी और फिर उनका रूट निकालना होगा। देखो रजिस्टर पर 60 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, यहाँ पर 60 की स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 80 की स्क्वायर करेंगे। देखो दोस्तों 60 की स्क्वायर जो होती है ये 3600 होती है और 80 की अगर करें तो 6400 होती है। दोनों को जब दोस्तों अपन जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10000, और इस 10000 का जब अपन अनरूट निकालेंगे यानी वर्ग मूल ज्ञात करेंगे, स्क्वायर रूट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, तो उत्तर 100 वोल्ट आएगा। यानी अगर इंडक्टर और रजिस्टर पर ड्रॉप 60 वोल्ट और 80 वोल्ट है तो परिपथ में आरोपित वोल्टेज का मान कितना है, 100 वोल्ट ही होगा, 100 वोल्ट ही होगा, ना कि 140। हाँ अगर ये डीसी के लिए होता तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाता, 140 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि 1200 ओम के मान के एक प्रतिरोधक को कैसे अंकित किया जा सकता है। एक प्रतिरोधक ऐसा है जिसका मान 1200 ओम है। देखो दोस्तों प्रतिरोधकों पर मान अंकित करने की दो विधियां होती है, एक को कहते हैं कलर कोड विधि, दूसरी को कहते हैं लेटर विधि, लेटर कोड या डायरेक्ट विधि के नाम से जानते हैं। तो देखो लेटर कोड वाली जो होती है ना, उनमें अपने पास क्या होता है कि आर, के या एम, तीन शब्दों का उपयोग अपन कर सकते हैं। ये शब्द अपन कहीं पर भी लागू कर सकते हैं जैसे जैसे संख्या को एडजस्ट करना हो। तो अब देखो ये जो 1200 ओम होता है इसको अपन 1K2 लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से वो शब्द हटाया, शब्द कहाँ से हटाया, 1 और 2 के बीच में, तो वहाँ पर पॉइंट लग जाता है, और जैसा शब्द हटाया उसके आगे किलो और ओम अपनी तरफ से लगा देंगे। यानी 1K2 का मतलब है 1.2 किलो ओम। अब 1.2 किलो ओम को सोल्व करो तो उत्तर कितना आएगा, 1200 ओम। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, ए, 1K2। देखो ये कब करते हैं, ये तब करते जब रजिस्टर का मान 120 ओम होता। रजिस्टर का मान अगर 120 ओम है तो हम उसको K12 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो 0.12 किलो ओम होगा। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो उत्तर 120 ही आएगा। अगर रेजिस्टेंस का मान 12000 ओम होता तो ये लिख सकते थे। तो ये इसी तरह से होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूँ। मान लीजिए पेपर में अपने पास यूँ लिखा हुआ आ जाता है कि 1 M3, तो इसका मतलब है 1.3 मेगा ओम। ठीक है, याद रखिएगा। अभी अपने इस प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक साइज में बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक प्रतिरोधक के वैसे चार तरीके होते हैं जिनसे हम उसको बता सकते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिरोधक का प्रकार, यानी वो किस प्रकार का है, जैसे वायर बाउंड प्रतिरोधक है कि वो कार्बन कंपोजिशन है, इस तरह से चार तरह का वो होता है। उसके बाद में है प्रतिरोध का नॉमिनल मान, यानी कितने मान का है, 5 ओम का है कि 5 किलो ओम का है कि 5 मेगा ओम का है। उसके बाद आता है कि उसकी टॉलरेंस कितनी है, यानी 5 ओम प्लस माइनस 1%, 5 ओम प्लस माइनस 2%। फिर आता है कि उसकी शक्ति कितनी है, पावर रेटिंग कितनी है, चार तरह से दर्शाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोधक वाट में जितना अधिक होगा साइज में वो उतना ही बड़ा होगा। यानी किसी प्रतिरोधक के आपको आकार की अगर पहचान करनी है तो आपको उसका वाटेज चेक करना है। जो प्रतिरोधक वाट में बड़ा होगा वही साइज में बड़ा होगा। अब अगर इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से अपन देखें तब तो ओम वैल्यू कोई मतलब मायने नहीं रखती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 50 वाट वाला बड़ा हो गया। लेकिन सी और डी ऑप्शन में अगर अपन और भी देखें तो ये देखो सी ऑप्शन 500 वाट का है, इसलिए सबसे बड़ा कौन होगा, 5 ओम और 500 वाट वाला। अपने इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। सीधा सा ध्यान रखो, जिसकी शक्ति अधिक है वही प्रतिरोधक साइज में बड़ा है। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिरोधक पर रंग क्रमशः रेड, ग्रीन और रेड है, यानी लाल, हरा और लाल है, तो प्रतिरोधक का मान कितना होगा। देखो दोस्तों याद रखनी पड़ेगी, एक टेबल होती है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस तरह से अपन बोलते हैं। तो ये नंबर आपको ध्यान रखने होंगे। इनका जो सीक्वेंस चलता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाता है। ये आगे पूरी टेबल बनाना आप दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखो रेड है पहली पट्टी, तो रेड का मान कितना है, 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे ऑप्शन ही 2 से शुरू हो रहे हैं। ग्रीन के आगे होता है 5, तो ये हो गया 25। अब देखो तीसरी पट्टी मेन दोस्तों, ध्यान रखना। तो रेड है, रेड में होती है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, यानी 2500 ओम उत्तर आएगा दोस्तों इसका, 2500। तो प्रश्न का उत्तर अपन सी कर देंगे।
अगला प्रश्न है कि गिलबर्ट किसका मात्रक है। देखो दोस्तों, गिलबर्ट नाम का एक वैज्ञानिक था और उसने चुंबक वाहक बल के बारे में बताया था, जैसा कि तो ये जो गिलबर्ट है ये MMF का मात्रक है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल अपन कहते हैं। हालांकि MMF ज्ञात करने के लिए सूत्र N into I होता है, इसलिए इसका दूसरी जो इकाई है वो एम्पियर टर्न भी होती है, कि कितने एम्पियर की धारा थी, कितने उसमें टर्न थे। MMF एम्पियर टर्न में मापा जाता है, हालांकि वो गिलबर्ट में भी हो सकता है। तो ये जो गिलबर्ट है ये MMF का मात्रक है। प्रश्न का उत्तर C हो जाएगा।